देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों संसद दे विच बजट 2024 दा ऐलान किया गया सी, जिस नूं लैके हुण लोकां दे विच एक बड़ी बेसब्री बनी हुई सी कि इस बार बजट दे विच कीड़ियां खास चीज़ां ते राहत मिलेगी। हालांकि इस बजट दे विच वाले कई चीज़ां ते अहम फैसले भी लिते गए हैं, जिस नाल कि कुछ चीज़ां ते वड्डी राहत भी मिली है अते कई चीज़ां दे विच पहलां नालों फर्क भी पिया है। इस बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर पहलां नालों महंगा होगा। फ्लाइटां राही आउण जाण वाले लोगों नूं हुण पहलां नालों वध पैसे चुकाने पैणगे, क्योंकि बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर करना महंगा पवेगा। इस बारे चर्चा करते हुए श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो एडवाइजर अश्वनी गुप्ता ने दसिया कि केंद्र सरकार वालों लिता गया यह फैसला आम लोगों लिए किसी वड्डी मुश्किल तो घट नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग अपना समा बचाने लिए एक सूबे तो दूसरे सूबे विच जाने लिए फ्लाइटों का सहारा लेंदे सी, पर सरकार वालों किए गए इस फैसले दे नाल आम आदमी की जेब से फर्क भी पेगा। वो लोग जिन्होंने कदे हवाई सफर करन दा सुपना वेख्या है, कितने ना कितने उन्होंने सुपना भी अज चूरो चूर हो गया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म नूं वधावा देने लिए सरकार नूं कोई अजिहियां रणनीतियां बनाउणियां चाहीदियां हन, जिस नाल कि लोगों नूं राहत मिलदी। पर जब हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी तो इसका सीधा असर टूरिज्म पर भी पवेगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों संसद दे विच बजट 2024 दा ऐलान किया गया सी, जिस नूं लैके हुण लोकां दे विच एक बड़ी बेसब्री बनी हुई सी कि इस बार बजट दे विच कीड़ियां खास चीज़ां ते राहत मिलेगी। हालांकि इस बजट दे विच वाले कई चीज़ां ते अहम फैसले भी लिते गए हैं, जिस नाल कि कुछ चीज़ां ते वड्डी राहत भी मिली है अते कई चीज़ां दे विच पहलां नालों फर्क भी पिया है। इस बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर पहलां नालों महंगा होगा। फ्लाइटां राही आउण जाण वाले लोगों नूं हुण पहलां नालों वध पैसे चुकाने पैणगे, क्योंकि बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर करना महंगा पवेगा। इस बारे चर्चा करते हुए श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो एडवाइजर अश्वनी गुप्ता ने दसिया कि केंद्र सरकार वालों लिता गया यह फैसला आम लोगों लिए किसी वड्डी मुश्किल तो घट नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग अपना समा बचाने लिए एक सूबे तो दूसरे सूबे विच जाने लिए फ्लाइटों का सहारा लेंदे सी, पर सरकार वालों किए गए इस फैसले दे नाल आम आदमी की जेब से फर्क भी पेगा। वो लोग जिन्होंने कदे हवाई सफर करन दा सुपना वेख्या है, कितने ना कितने उन्हों का सुपना भी अज चूरों चूर हो गया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म नूं वधावा देने लिए सरकार नूं कोई अजिहियां रणनीतियां बनाउणियां चाहीदियां हन, जिस नाल कि लोगों नूं राहत मिलदी। पर जब हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी तो इसका सीधा असर टूरिज्म पर भी पवेगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों संसद दे विच बजट 2024 दा ऐलान किया गया सी, जिस नूं लैके हुण लोकां दे विच एक बड़ी बेसब्री बनी हुई सी कि इस बार बजट दे विच कीड़ियां खास चीज़ां ते राहत मिलेगी। हालांकि इस बजट दे विच वाले कई चीज़ां ते अहम फैसले भी लिते गए हैं, जिस नाल कि कुछ चीज़ां ते वड्डी राहत भी मिली है अते कई चीज़ां दे विच पहलां नालों फर्क भी पिया है। इस बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर पहलां नालों महंगा होगा। फ्लाइटां राही आउण जाण वाले लोगों नूं हुण पहलां नालों वध पैसे चुकाने पैणगे, क्योंकि बजट के मुताबिक हुण हवाई सफर करना महंगा पवेगा। इस बारे चर्चा करते हुए श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो एडवाइजर अश्वनी गुप्ता ने दसिया कि केंद्र सरकार वालों लिता गया यह फैसला आम लोगों लिए किसी वड्डी मुश्किल तो घट नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग अपना समा बचाने लिए एक सूबे तो दूसरे सूबे विच जाने लिए फ्लाइटों का सहारा लेंदे सी, पर सरकार वालों किए गए इस फैसले दे नाल आम आदमी की जेब से फर्क भी पेगा। वो लोग जिन्होंने कदे हवाई सफर करन दा सुपना वेख्या है, कितने ना कितने उन्हों का सुपना भी अज चूरों चूर हो गया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म नूं वधावा देने लिए सरकार नूं कोई अजिहियां रणनीतियां बनाउणियां चाहीदियां हन, जिस नाल कि लोगों नूं राहत मिलदी। पर जब हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी तो इसका सीधा असर टूरिज्म पर भी पवेगा।